साल 1995 में यूएस के पेंसिल्वेनिया में एक 8 साल की बच्ची चेरी महान स्कूल बस से उतरने के घर जाते वक्त रास्ते में लापता हो गई। एक सस्पेक्ट वैन नजर आती है। सौतेले पिता ने घर से 46 मीटर दूरी मिट्टी पर टायर के निशान थे जो शायद उसी वैन के थे। एक बड़े पैमाने पर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। कई सारे ब्लड हाउंड कुत्तों को इसमें लगाया गया, हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। बच्ची को गायब हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था इसलिए किडनैपर भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। 250 लोकल लोग इस केस में जुड़े थे बच्चे को ढूंढने के लिए। लोगों ने उस जमाने में $39,000 जमा किए थे बच्ची को सेफली पहुंचने के लिए। आगे $10,000 और इकट्ठा किए। जो भी बच्ची को किडनैपर्स को पकड़वाएगा या बच्ची का सुराग देगा, इन्वेस्टिगेशन टीम को यह पता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। बच्ची किडनैपिंग रीजन के लिए नहीं हुई थी। फिर आगे पता चलता है कि इसमें कुछ फैमिली मेंबर्स का ही हाथ था।